Good morning, everyone. Welcome back to Ilium Biology. क्लास नंबर 107 कॉकरोच की ही सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कॉकरोच में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी सारा प्रोसीजर देखेंगे रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. फिलहाल मैं केवल मेल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा इस टॉपिक के अंदर. सबसे पहली बात, कॉकरोच एक डायशियस एनिमल है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं. और इसमें दिखता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि आप मॉर्फोलॉजी देखकर डिफरेंशिएट कर सकते हो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच के बीच में. चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूंगा. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. यहाँ पे देखिए, अगर आपने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रखा है क्लास 12th में, तो उसी से रिलेटेड काफी कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे. शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले जो सबसे मेन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहता है, यानी टेस्टिस के. तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन कॉकरोचेस. व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसे कहते हैं हम? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन है जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा, या फिर जो गैमिट का फॉर्मेशन करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और कॉकरोचेस में जो गैमिट का फॉर्मेशन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो होता है टेस्टिस के अंदर. यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज टेस्टिस. तो टेस्टिस बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं और एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, यानी कि टोटल दो टेस्टिस प्रेजेंट है बॉडी के साइड में. और जिस सेगमेंट्स में वो टेस्टिस प्रेजेंट है वो है आपके 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी चौथे से लेकर छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है. मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कॉकरोचेस में अगर आपका टेस्टिस जो है वो शुरुआत होती है 4th एब्डोमिनल सेगमेंट से और वो एंड होता है 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, यानी कि इन टोटल इन तीन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है टेस्टिस. अब अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म फॉर्म होने के बाद में टेस्टिस से एक ट्यूब के थ्रू निकलते हैं, पास ऑन होते हैं, जिस ट्यूब को हम कहते हैं वेस्ट डेफरेंस. और कॉकरोचेस में भी उसी ट्यूब को हम कहेंगे वेस्ट डेफरेंस. और वो ट्यूब कौन सी होगी, तो ये देखिए ये यहाँ पे टेस्टिस शो किया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टेस्टिस हो गया और टेस्टिस से ये जो ट्यूब बाहर निकल रही है दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट डेफरेंस. और इसका काम क्या होगा, टेस्टिस से स्पर्म्स को लेकर जाना, यानी एक डक्ट की तरह, एक चैनल की तरह वो काम कर रही है. तो दो टेस्टिस होंगे तो दो ही प्रेजेंट होंगे वेस्ट डेफरेंस. वेस्ट डेफरेंस के बाद में अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो तो वेस्ट डेफरेंस बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमेनल वेसिकल से एक डक्ट आती है, उस डक्ट के साथ में कंबाइन होता है. सेम होता है कॉकरोचेस में भी, कॉकरोचेस के अंदर भी प्रेजेंट होती है सेमेनल वेसिकल. इस फिगर में आपको सेमेनल वेसिकल इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है इसके बैक साइड में प्रेजेंट होगी सेमेनल वेसिकल. तो उस सेमेनल वेसिकल से एक डक्ट निकलता है और ये डक्ट सेमेनल वेसिकल का बाद में वेस्ट डिफरेंस के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होकर बनेगा इजेक्युलेटरी डक्ट. सेम थिंग हैपेंस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी टेस्टिस, टेस्टिस से निकलता है वेस्ट डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस सेमेनल वेसिकल के साथ में कंबाइन होकर बनाता है इजेक्युलेटरी डक्ट. तो यहां तक का जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो एनाटॉमी है वो सेम है ह्यूमन बींग्स और कॉकरोचेस के अंदर. सेमेनल वेसिकल का यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स. लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि सेमेनल वेसिकल स्पर्म का स्टोरेज नहीं करता, लेकिन कॉकरोचेस में सेमेनल वेसिकल स्पर्म का स्टोरेज करता है. बाद में ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है, ये इजेकुलेटरी डक्ट बॉडी के बाहर ओपन होगा वाया अ होल विच इज कॉल्ड एज मेल गोनोपोर. ये देखिए यहाँ पर ये जो डक्ट है ये है आपकी इजेकुलेटरी डक्ट, और ये इजेकुलेटरी डक्ट बॉडी के बाहर एक पोर से ओपन होती है, होल के थ्रू ओपन होती है, जिसको हम कहते हैं मेल गोनोपोर. ये एक ओपनिंग है मेल सिस्टम के अंदर. तो जो हमारे स्पर्म्स हैं वो उनका उनका पाथवे कैसा हो गया, सबसे पहले शुरुआत होगी यहाँ टेस्टिस से, टेस्टिस से वो आए बाद में वेस्ट डिफरेंस के अंदर, वेस्ट डिफरेंस से फिर बाद में ये वेस्ट डिफरेंस सेमेनल वेसिकल के साथ की डक्ट के साथ में कंबाइन होकर इजेकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. बाद में ये इजेकुलेटरी डक्ट बॉडी के बाहर एक ओपनिंग है मेल गोनोपोर, उसके थ्रू बाहर ओपन होता है. और ये मेल गोनोपोर वेंट्रल फेलोमियर पे प्रेजेंट है. फेलोमियर्स क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे, फिलहाल आप ध्यान रखिए मेल गोनोपोर कहाँ ओपन होगा, वेंट्रल फेलोमियर के अंदर. इसके अलावा अगर हम लोग और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो
तो एक मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिकुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये जो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर शो कर रखा है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये वाला दिस दिस इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड। ये पूरा जो एक फ्लावर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये मशरूम ग्लैंड है। इस मशरूम ग्लैंड को अगर आप गौर से देखोगे तो बाहर की तरफ तो आपको ये इस तरह की व्हाइट कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, और अंदर की तरफ आपको यहाँ पर कुछ ब्राउनिश ट्यूब्यूल्स दिखा रखे हैं। तो ये जो बाहर वाली व्हाइट कलर की ट्यूब्यूल्स है वो तो हो गई आपकी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और जो अंदर की तरफ ट्यूब्यूल्स है जो हमने यहाँ पे थोड़ा ब्राउनिश दिखा रखा है वो है आपकी स्मॉल ट्यूब्यूल्स, यानी कि दीज आर स्मॉल ट्यूब्यूल्स और ये है आपकी लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दोनों मिलकर बनाते हैं मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड, और ये प्रेजेंट होती है कॉकरोचेज में 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। तो ये पहली एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है कॉकरोचेज में, मशरूम ग्लैंड और यूट्रिकुलर ग्लैंड, जिसमें दो अलग अलग तरह की ट्यूब्स प्रेजेंट है, बाहर की तरफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और अंदर की तरफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको शो कर रखा है मैंने ऊपर की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज फेलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। फेलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड आप इसको बोल सकते हो, और इस ये भी ये मशरूम ग्लैंड के पीछे की तरफ सिचुएटेड है। तो इसका मैं आपका जो सेम फिगर मैं आपको अगर पीछे से भी दिखाऊंगा बाद में तो आपको यहाँ पर फेलिक ग्लैंड क्लियर दिखेगा। ये फेलिक ग्लैंड का जो डक्ट होता है वो यहाँ पर ये रहा, ये जिस तरह यहाँ पे इजेकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है, तो इजेकुलेटरी डक्ट के बाजू वाला डक्ट या ये वाला डक्ट है अपना डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड, और ये डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड ओपन होता है यहाँ पर, यहाँ पे ये इस तरफ हो गया ये। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फेलिक ग्लैंड का जो डक्ट है और इजेकुलेटरी डक्ट है, इन दोनों की ओपनिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट है, अलग अलग रहता है दोनों का ओपनिंग कॉकरोचेस के अंदर। अब मैं बात करता हूं कॉकरोचेस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो जेनिटेलिया को कॉकरोचेस में एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फेलोमियर। जैसा हमने पहले आपको देखा था कि मेल गोनोपोर ओपन होता है वेंट्रल फेलोमियर के ऊपर, तो फेलो व्हाट आर फेलोमियर्स, फेलोमियर्स आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ कॉकरोचेज में, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स है कॉकरोचेज में। और कॉकरोचेज में अगर मैं बात करूं तो तीन तरह के फेलोमियर्स हमें देखने को मिलेंगे, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। डॉर्सल सरफेस पे दो फेलोमियर है, एक राइट और एक लेफ्ट, और वेंट्रल सरफेस पर एक है जिसको आप कहते हो वेंट्रल फेलोमियर। मैं वापस आपको बता दूंगा, डॉर्सल सरफेस कौन सा हो गया, दी अपर सरफेस ऑफ कॉकरोचेस डॉर्सल सरफेस, एंड दी लोअर सरफेस ऑफ कॉकरोचेस वेंट्रल फेलोमियर, यानी वेंट्रल सरफेस पे यानी लोअर सरफेस पे जो फेलोमियर है वो वेंट्रल फेलोमियर, और डॉर्सल पे दो है जिसको आप कहते हो राइट फेलोमियर और लेफ्ट फेलोमियर। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये है अपना लेफ्ट फेलोमियर, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेफ्ट फेलोमियर। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया अपना राइट फेलोमियर, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया अपना वेंट्रल फेलोमियर। अब इन तीनों में सबसे बड़ा फेलोमियर कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ा फेलोमियर जो है वो है अपना लेफ्ट फेलोमियर, और लेफ्ट फेलोमियर पे डक्ट प्रेजेंट है किसका, फेलिक ग्लैंड का या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड का, ये जो हमने पहले स्टडी किया था, ये दिस डक्ट, ये डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है, लेफ्ट फेलोमियर के ऊपर यहाँ पर ओपन हो रहा है। इसके अलावा लेफ्ट फेलोमियर में जो और कोई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो अगर हम देखें तो उसमें से एक प्रेजेंट है टिटिलेटर। ये जो स्ट्रक्चर है ये लेफ्ट फेलोमियर का ही पार्ट है, इसे हम कहते हैं टिटिलेटर। टिटिलेटर क्या होता है, टिटिलेशन एक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेक्सुअल अराउजल। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जो फीमेल में जो सेक्स की अर्ज है उसको अराइज करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं टिटिलेटर, और टिटिलेटर इज अ पार्ट ऑफ लेफ्ट फेलोमियर। टिटिलेटर के अलावा लेफ्ट फेलोमियर में एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं सुडो पेनिस। सुडो पेनिस क्यों कहते हैं इसको, वो इसलिए कहते हैं इसको सुडो पेनिस क्योंकि यहाँ पे अगर आप सुडो पेनिस का सबसे लास्ट वाला पोर्शन देखोगे तो ये इस तरह से एनलार्ज्ड स्वोलन टिप रहता है, ऐसा जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस का स्ट्रक्चर होता है जिसका जो टिप होता है स्वोलन होता है जिसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, उसी तरह से यहाँ पे जो है वो है सुडो पेनिस। बट इसका डायरेक्ट स्पर्म्स के ट्रांसफर में कोई रोल नहीं होता, इसलिए हमने वर्ड यूज कर लिया सुडो पेनिस। सुडो मतलब क्या हो गया, फॉल्स, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिंग लाइक अ पेनिस बट वो फॉल्स पेनिस है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं कर रहा है स्पर्म्स को। स्पर्म्स का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, मेल गोनोपोर के थ्रू होने वाला है। वेंट्रल फेलोमियर की अगर मैं बात करूंगा तो वेंट्रल फेलोमियर पे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मेल गोनोपियर, और मेल गोनोपोर किसका ओपनिंग है, ये ओपनिंग होता है इजेकुलेटरी डक्ट का। तो सुडो पेनिस और टिटिलेटर दोनों प्रेजेंट है लेफ्ट फेलोमियर पे। इसके अलावा कॉकरोच इसके हाइंड एंड पर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी
डिस्कस किए थे और नीट में बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो है, सबसे पहला है एनएल सरकाय, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं एनएल सरकाय, और ये बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स हैं और ये दोनों सेक्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और मेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता, और वो है एनल स्टाइल या कॉडल स्टाइल। कॉडल वर्ड का मैं आपको यहाँ पे मीनिंग बता दूँ, कॉडल का मतलब होता है टेल, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया जब मैंने कॉडल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका प्रेजेंस कहाँ पे होगा, बॉडी के उस पार्ट में जहां पर टेल प्रेजेंट होगी। हालांकि कॉकरोचेज में टेल प्रेजेंट नहीं होती, बट कॉडल टेल कहाँ प्रेजेंट होती है, डॉर्सल सबसे लास्ट वाले पार्ट पे, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है कॉडल। तो ये कॉडल स्टाइल, और कॉडल स्टाइल और एनल स्टाइल के बारे में अपने को क्या ध्यान रखना है कि केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता, और ये काफी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है नीट के अंदर। ये बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था कॉकरोच का। अब मैं बारी बारी से इन टर्म्स को एक बार वापस आपको कुछ नए डायग्राम्स के थ्रू एक बार और एक्सप्लेन करने का अच्छा अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं इस जो हमने अभी पिछली स्लाइड में डायग्राम देखा था, मैं उसका आपको वेंट्रल सरफेस यानी पीछे वाला सरफेस दिखा रहा हूँ, सेम वही चीज है। देखिए शुरुआत करते हैं, मैं यहाँ से सबसे पहले ये टेस्टिस, टेस्टिस से निकलता है ये कंप्लीट वेस्ट डिफरेंस, और अब आपको इस तरफ जो दिख रहा होगा यहाँ पे बीच में, इस तरफ प्रेजेंट होती है समाइनल वेसिकल, और समाइनल वेसिकल जो है ये समाइनल वेसिकल बाद में किस इससे निकलने वाला डक्ट किसके साथ कंबाइन होगा, वेस्ट डिफरेंस के साथ में। ये देखिए यहाँ से ये वेस्ट डिफरेंस पहुंची कहाँ पे, ऊपर सेमिनल वेसिकल के साथ में, ये राइट साइड से, और ये लेफ्ट साइड का वेस्ट डिफरेंस ये भी कहाँ पहुंचा, सेमिनल वेसिकल से। बाद में सेमिनल वेसिकल का डक्ट और वेस्ट डिफरेंस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इजेकुलेटरी डक्ट। तो ये हो गया हमारा इजेकुलेटरी डक्ट, जो कि बॉडी के बाहर ओपन होता है किसके थ्रू, मेल गोनोपोर के थ्रू ओपन होता है। तो ये सिस्टम है हमारा कॉकरोच के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है हमने, ये है जेनाइटल पाउच जो प्रेजेंट होता है मेल कॉकरोच में, दोनों में प्रेजेंट होगा, मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इस तरफ जो आपका आउटलाइन दिख रहा है, ये आउटलाइन, ये कंप्लीट आउटलाइन मैं दूसरे कलर में शो करता हूँ आपको, ये आउटलाइन, ये आउटलाइन किसकी है, ये है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड या फिर फेलिक ग्लैंड, और ये देखिए इसका डक्ट नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। अब ये डक्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपन होता है किससे, मेल गोनोपोर से, यानी इस तरफ जो डक्ट है वो हो गया इजेकुलेटरी डक्ट, और ये जो है ये डक्ट ऑफ फेलिक ग्लैंड है, ये दोनों की ओपनिंग अलग अलग रहता है, और बीचों बीच में ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड, जिसमें बाहर की तरफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है और बीच में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं छोटे छोटे टर्म्स के साथ में। सबसे पहले टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे, और ये टेस्टिस से जो डक्ट निकलता है उसको हम कहते हैं वेस्ट डिफरेंस, बाद में वेस्ट डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ कंबाइन होता है, और ये ओपन होता है किसमें, ये ओपन होता है इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर, और इजेकुलेटरी डक्ट बॉडी के बाहर ओपन होता है किसके थ्रू, मेल गोनोपोर या जेनाइटल पोर की फॉर्म में। पोर किसको कहते हैं, होल, एक ओपनिंग, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो ओपनिंग है उसको वर्ड यूज किया गया मेल गोनोपोर या जेनाइटल पोर। और जेनाइटल पोर का जो जो पोजीशन है मेल कॉकरोच की बॉडी में वो है वेंट्रल फेलोमियर के ऊपर। सबसे पहली बात तो अपने को ये याद रखना है कि जेनाइटल पोर कहाँ प्रेजेंट होगा, वेंट्रल फेलोमियर में, और ये प्रेजेंट होगा एनस के वेंट्रल साइड में। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ये लोकेशन नहीं समझ पाते कि ऐसे डॉर्सल टू एनस या वेंट्रल टू एनस, ये चीजें नहीं क्लियर होती बच्चों को। तो देखो आप समझने की चीज करो, समझने की कोशिश करो आप कि वेंट्रल किसको कहेंगे हम लोग, वेंट्रल कहेंगे हम लोग बॉडी का नीचे वाला सरफेस, और डॉर्सल कहेंगे हम लोग बॉडी का ऊपर वाला सरफेस। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मेल गोनोपोर इज वेंट्रल टू एनस, इसका मतलब हो गया कि एनस तो किस तरफ प्रेजेंट हो जाएगा, डॉर्सल सरफेस की ओर, और मेल गोनोपोर वेंट्रल सरफेस की तरफ। तो कुछ इस तरह से लोकेशन रहता है इसका। और टेस्टिस का फंक्शन क्या होगा, टेस्टिस का वही फंक्शन है जो ह्यूमन सिस्टम में होता है, वो है स्पर्म का प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसे हम कहते हैं मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए, दोनों वर्ड सेम है, गोनेपोफाइसिस कह सकते हो या फेलोमियर कह सकते हो। देखो सबसे पहली बात, ये काइटिनस है, काइटिनस मतलब ये बने हैं काइटिन नाम के एक पॉलीसेक्राइड, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड से, जैसा हमने पढ़ा था कॉकरोचेस के अंदर की कॉकरोचेस का जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो ये भी बनते हैं हमारे काइटिन से, और ये होता है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल मतलब जो तीनों फेलोमियर्स है वेंट्रल राइट और लेफ्ट, इन तीनों का जो सिमेट्री है वो बिल्कुल मैच नहीं करती, इनका साइज शेप वगैरह मैच नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं।
मेल गोनोपोर और उस मेल गोनोपोर के चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं ये मेल गोनोपोफाइसिस। आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए क्या कि ये इजेकुलेटरी डक्ट है और इस इजेकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को हम कहते हैं यहाँ पर जैसे ओपन हुआ ये मेल गोनोपोर और इस मेल गोनोपोर के चारों तरफ आपको अलग अलग सारे फेलोमियर्स देखने को मिल जाएंगे यानी सराउंड करते हैं मेल गोनोपोर को। तीन टाइप होते हैं लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और तीसरा है वेंट्रल फेलोमियर। चलिए हम लोग एक एक फेलोमियर को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लेफ्ट फेलोमियर की। तो लेफ्ट फेलोमियर में जैसा मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है जो जिस पे अपने को देखना है। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट फेलोमियर इज दी लार्जेस्ट फेलोमियर। उसके अलावा लेफ्ट फेलोमियर पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है कि जैसे कि सबसे पहले तो ये टिटिलेटर, हमने अभी देखा था टिटिलेशन एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है सेक्सुअल अराउजल, यानी ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है लेफ्ट फेलोमियर पे ये फीमेल में सेक्स की अर्ज को, सेक्स डिजायर को अराइज करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं टिटिलेटर। उसके अलावा एक पेनिस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका स्ट्रक्चर एक ह्यूमन पेनिस की तरह दिखाई देता है, कैसे जैसे ह्यूमन पेनिस आगे से स्वोलन रहता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंड पेनिस। तो यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है सुडो पेनिस। अब सुडो वर्ड यूज कर लिया क्यों, क्योंकि सुडो का मतलब होता है फॉल्स, क्योंकि ये पेनिस की तरह काम नहीं कर रहा, केवल दिखता है वो पेनिस की तरह पर उसकी तरह काम नहीं करता। पेनिस का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म्स का ट्रांसफर करना फीमेल बॉडी में, लेकिन यहाँ पर सुडो पेनिस फीमेल में स्पर्म ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए हम इसको सुडो पेनिस नाम देंगे। इसमें जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर टिटिलेटर जो एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हुक प्रेजेंट है और सेक्सुअल अराउजल का काम करता है, और एक सुडो पेनिस जो कि बल्जिंग टिप रहती है उसके एंड पर, इसलिए इसको पेनिस जैसा नाम दिया गया है। और फेलिक डक्ट की ओपनिंग भी कहाँ प्रेजेंट होगी, लेफ्ट फेलोमियर में। ये देखिए यहाँ पर जो फेलिक ग्लैंड है उसका डक्ट आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डक्ट इस तरह से बन के आ रहा है। तो ये तीनों प्रेजेंट है कहाँ पर, लेफ्ट फेलोमियर के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम वेंट्रल फेलोमियर में। वेंट्रल फेलोमियर में जो सबसे मेन चीज हमें याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं मेल गोनोपोर। तो ये देखिए यहाँ पर ये इजेकुलेटरी डक्ट और ये इजेकुलेटरी डक्ट बॉडी के बाहर ओपन हो रहा है गोनोपोर की फॉर्म में, और ये जो गोनोपोर प्रेजेंट है वो है वेंट्रल फेलोमियर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने को ध्यान रखना है, और वेंट्रल फेलोमियर सबसे छोटा फेलोमियर है जो कॉकरोचेज में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करूंगा सेमिनल वेसिकल की। तो सेमिनल वेसिकल जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था स्पर्म का स्टोरेज करता है, और बाद में जब स्पर्म्स को बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करना है तो ये सेमिनल वेसिकल से निकलकर पहुंचेगा इजेकुलेटरी डक्ट में, और इजेकुलेटरी डक्ट से ये मेल गोनोपोर से होता हुआ फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये क्या करता है सेमिनल वेसिकल, इसको स्टोर करने के अलावा ये जितने भी स्पर्म्स टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल में पहुंचते हैं इन सभी स्पर्म्स को एक साथ में ग्लू कर देता है। ग्लू कर देना ही चिपका के रखता है, और जिसकी वजह से कुछ बंडल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि कुछ स्पर्म्स जो है वो सारे इस तरह के बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी बंडल को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स, यानी कॉकरोचेस के अंदर जो ट्रांसफर होगा फीमेल बॉडी में वो स्पर्मेटोफोर्स का ट्रांसफर होता है। ये सभी टर्म्स आपको अच्छे से समझने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि तभी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस यहाँ पर आप समझ पाओगे। नेक्स्ट बात करूंगा मशरूम ग्लैंड या यूटिकुलर ग्लैंड की। जैसे मैंने बात की थी कि इसमें दो तरह की ट्यूब्यूल्स हैं, बाहर की तरफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और अंदर की तरफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स। एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड रहती है, ये दो तरह की ट्यूब्यूल्स है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स अंदर की तरफ और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ। और इसका फंक्शन क्या रहता है, ये स्पर्मेटोफोर की तरफ के बाहर एक एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। मतलब ये कुछ ऐसा सब्सटेंस बनाती है जो सब्सटेंस स्पर्मेटोफोर के बाहर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। यूरिकोस ग्लैंड की बात करता हूं मैं। यूरिकोस ग्लैंड समझिए आप, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स किसको कह रहे हैं हम लोग, जो मशरूम ग्लैंड के जो बाहर वाले पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स है ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है। तो इन लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के टिप्स पे आप यूं समझ लीजिए कि जैसे ये एक लॉन्ग ट्यूब्यूल है, इस लॉन्ग ट्यूब्यूल के टिप पर प्रेजेंट होते हैं कुछ छोटी छोटी सी ग्लैंड जिनको हम कहते हैं यूरिकोस ग्लैंड्स। यूरिकोस ग्लैंड्स हम लोगों ने डिस्कस की थी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, मतलब हमने कहा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ और एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं, और उसमें से एक है यूरिकोस ग्लैंड, और ये हमारे हीमोसील में से एक्सक्रीटरी मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि मशरूम ग्लैंड के ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, और इसका ये यहाँ से इस तरह से डक्ट जो है यहाँ से अराइज होता है, और ये डक्ट जाकर ओपन होता है लेफ्ट फेलोमियर के
अंदर। तो घूम फिर के वही बातें हम लोग बार 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 डिस्कस कर रहे हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि फैलिक ग्लैंड का डक्ट इजेकुलेटरी डक्ट से अलग ओपन होता है और ये भी स्पर्मेटोफोर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। यानी मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड दोनों अपनी तरफ से एक एक मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है स्पर्मेटोफोर के बाहर। स्पर्मेटोफोर बेसिक अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो उस पे टोटल तीन लेयर्स प्रेजेंट होती है। स्पर्मेटोफोर्स पे टोटल तीन लेयर प्रेजेंट होती है। दो लेयर्स तो मैंने अभी आपको बताई थी, एक फेलिक ग्लैंड रिलीज करेगा और एक रिलीज करेगा मशरूम ग्लैंड। उसके अलावा जो तीसरी लेयर है वो तीसरी लेयर खुद इजेकुलेटरी डक्ट बनाता है। यानी कि फेलिक ग्लैंड का आया सिक्रेशन, उसने एक लेयर का फॉर्मेशन किया, मशरूम ग्लैंड के सिक्रेशन ने दूसरी लेयर का फॉर्मेशन किया और बाद में जब इजेकुलेटरी डक्ट में पहुंचा तो यहाँ पर एक और लेयर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से स्पर्मेटोफोर के ऊपर टोटल तीन लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इतना ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पढ़ने की जरूरत है। ये भी मेरे हिसाब से काफी डिटेल में है, इसलिए लिया गया ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जा सके। केवल मैं नाम बता बता के छोड़ देता तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता उन सब चीजों को समझ पाना, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और इसी को आप अच्छे से बार बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। देखिए कंसेप्ट जितना अच्छा बिल्डअप करोगे आप उतना ही अच्छा स्कोर करोगे बार बार एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके पास किसी तरह के कोई डाउट्स हो या कोई टॉपिक जो आप समझना चाहते हो हमसे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं, हम बहुत जल्द उस पर नए वीडियोज बनाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।